हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक साइंस। आई एम रिम्पी पांडे। हम लोगों ने चार स्कूल लेक्चरर के आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग जाके देख लीजिए। अगर कोई डाउट होता है या क्वेरी होती है तो कमेंट करिएगा। मान लीजिए किसी भी, चाहे कोई भी वीडियो है, किसी भी वीडियो में कोई क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, या कि वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आप लोग बताइएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का स्कूल लेक्चरर का थर्ड क्वेश्चन पेपर था, जिसमें से हम लोग 35 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब आगे से स्टार्ट करते हैं। 175 कितने क्वेश्चन है इसमें, नंबर ऑफ द क्वेश्चन 75 क्वेश्चन है इसमें। आगे आज सॉल्व करते हैं, इस वीडियो में कवर करते हैं। सॉरी, 36 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। 35 हो चुका था। रेयान फाइबर्स आर इन्वेंटेड इन, किसमें हुआ था, 19th सेंचुरी में हुआ था, लेट 19th सेंचुरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 35, बेंजीन रिंग इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है, बेंजीन रिंग पाया जाता है, ये पाया जाता है, किसने बताया था, आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर प्रीवियस वीडियो में मैंने ये कवर कर रखा है। ये क्वेश्चन कई जगह रिपीट हुए कि बेंजीन रिंग करके, या तो कभी फाइबर का नाम दे देंगे या उसको फाइबर केमिकल नेम दे देंगे, तो पूछते हैं कि बेंजीन रिंग किस में पाई जाती है। मेनली जो ये इसका बिग रोल होता है, ये डाई के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब रजिस्ट रिएक्टिव डाई जो होती है, बेंजीन रिंग का ही काम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 36 क्वेश्चन से सॉल्व करना था। फर्स्ट क्वेश्चन 31st क्वेश्चन है, ब्रोकेट फैब्रिक इज फेमस ऑफ, ब्रोकेट के वस्त्र प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं, केरला में, उड़ीसा में, या बनारस में, या वेस्ट बंगाल में। तो ब्रोकेट फैब्रिक जो फेमस है ये है बनारस, ये है कहाँ का, बनारस का। ब्रोकेट फाइबर कहाँ का है, बनारस का है फैब्रिक, ब्रोकेट फाइबर फैब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसूती इज ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ, कसूती यहाँ की पारंपरिक कढ़ाई है, कहाँ की। फर्स्ट ऑप्शन है बंगाल, सेकंड ऑप्शन कश्मीर, थर्ड ऑप्शन इज राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन इज कर्नाटका। कसूती कहाँ की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है, ये है कसूती पारंपरिक कढ़ाई कर्नाटका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्शन वॉशर एंड स्क्रबिंग बोर्ड आर, सक्शन वाशर व स्क्रबिंग तख्ता, रगड़ने वाला तख्ता है, क्या काम है। फर्स्ट ऑप्शन इज इक्विपमेंट रिलेटेड टू वॉशिंग, धुलाई संबंधित उपकरण। सेकंड ऑप्शन इज इक्विपमेंट रिलेटेड टू आयरनिंग, प्रेस संबंधी उपकरण है। थर्ड इज इक्विपमेंट रिलेटेड टू फिनिशिंग, परसज्जा संबंधित उपकरण है। फोर्थ इज इक्विपमेंट रिलेटेड टू स्टोरेज ऑफ क्लॉथ्स, संचयन संग्रहण संबंधित उपकरण है, क्या काम आता है। सक्शन वाशर का जो काम होता है वो होता है धुलाई से संबंधित उपकरण है, इक्विपमेंट रिलेटेड टू वॉशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, सनलाइट ओपन एयर एंड ग्रास इज, सूर्य का प्रकाश, खुली हवा व ग्रास एक प्रकार का क्या है। फर्स्ट ऑप्शन ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक विरंजक है। सेकेंड ऑप्शन इज रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट, रिड्यूसिंग विरंजक है। थर्ड ऑप्शन इज नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट, प्राकृतिक विरंजक है। फोर्थ नन ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सनलाइट ओपन एयर एंड ग्रास जो होता है ये होता है ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट होता है, ऑक्सीकरण क्या है, विरंजक है। ब्लीचिंग पहले जब करते थे तो ऑक्सी सनलाइट में ही करते थे, ऑक्सीडाइजिंग कुछ भी मान लीजिए, भी कोई हल्दी एक तरीके से देख लीजिए, अब डाई कर दीजिए हल्दी को, हल्दी के फैब्रिक कॉटन पे कर दीजिए, आप अगर उसको हटाना चाह रहे, ब्लीच करना चाह रहे तो धूप में रख दीजिए, तो उसकी क्या होती है, हल्दी कम हो जाती है, बहुत लाइट हो जाती है, कुछ ऐसे गन जैसे नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाया रहेगा, मतलब वो डाई, तो वो जल्दी से एकदम, मतलब एकदम वाइट हो जाएगा, थोड़ा हल्का एलिवेश होकर वाइट हो जाएगा। तो ओपन एयर ग्रास का भी यूज होता है, ये सारे कौन से ब्लीचिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज नेचुरल ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन इज, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज एसिडिक रिएजेंट, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रतिकर्मक है। पहला ऑप्शन इज अमोनिया, सेकंड ऑप्शन सोडा एस, थर्ड इज बोरेक्स, फोर्थ ऑप्शन इज ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा इसमें पूछ रहा है, एसिडिक रिएजेंट है।
ऑप्शन इसका राइट है ऑक्जैलिक एसिड। क्या होता है एसिडिक रिएजेंट, इसमें ऑक्जैलिक एसिड है। अमोनिया जो होता है ये बेस का काम करता है, बोरेक्स एल्कली है, बोरेक्स जो होता है एल्कली होता है, और सोडा ऐश जो होता है ये भी वीक बेस ही है, वीक बेस होता है, भी कमजोर बेस की तरह काम यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काइंड, 41 नंबर क्वेश्चन, द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंपल इज टर्म्ड एज, किस नमूने द्वारा प्राप्त होने वाली सूचनाओं को कहते हैं, किस नमूने द्वारा प्राप्त होने वाली सूचनाओं को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डेटा आंकड़े, सेकंड इज टूल उपकरण, थर्ड इज पॉपुलेशन जनसंख्या, फोर्थ इज वेरिएबल चर। क्या होता है काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल इज टर्म्ड एज, जब सैंपल से कोई इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं या अचीव करते हैं तो उसको बोलते हैं डेटा या आंकड़े, सैंपल से जब करते हैं सूचना करते हैं उसे बोलते हैं डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसर्च के क्वेश्चन है, रिसर्च के भी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि जो सिलेबस होता है वो बीएससी एमएससी सारा कवर होके आता है, तो जब एमएससी जहाँ पे जैसे ही कवर हो जाते हैं मतलब सिलेबस कवर होता है तो वहाँ पे रिसर्च के क्वेश्चन ऑटोमेटिक दो तीन तीन चार क्वेश्चन तो आने ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग इज अ रिसर्च डिजाइन इज, निम्न अनुसंधान विधि का एक प्रकार है, क्या प्रकार है। पहला ऑप्शन इज क्वांटिटेटिव संख्यात्मक, सेकेंड इज क्वालिटेटिव गुणात्मक, थर्ड इज एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक, फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन इज क्या है, क्वांटी संख्यात्मक होता है, गुणात्मक होता है, इसमें तीनों होते हैं, इसमें ऑल ऑफ द अबव, क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी होता है। 43 नंबर क्वेश्चन इज लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कम्स अंडर फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, प्रयोगशाला आधारित प्रयोग निम्न अनुसंधान विधि के अंतर्गत आते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होती है एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी वर्क होता है वो किस रिसर्च मेथडोलॉजी के अंतर्गत आता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। फर्स्ट ऑप्शन इज क्वालिटेटिव गुणात्मक, सेकेंड ऑप्शन इज क्वांटिटेटिव मात्रात्मक, थर्ड इज फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, फोर्थ है नॉन ऑफ द अबव। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट जो होता है वो होता है क्वांटिटेटिव मात्रात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑर्डरली, एक सेकेंड क्या था, एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, अच्छा रिसर्च लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की अगर बात हो रही है तो दोनों होगा क्वालिटेटिव क्वांटिटी, जैसे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किसके अंडर रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं बताएं किस, आपको न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में, न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट लेबोरेटरी वर्क कर रहे हैं, कुछ भी बिस्किट बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें टेस्ट लिया मतलब टेस्ट किया उसका, तो उसको बता दें जैसे कि आप तो नहीं बता सकते किस लेवल का टेस्ट है मतलब इतना नहीं, तो इसका जो एक क्वेश्चनेयर फॉर्म होता है कि सेटिस्फाइड है या वेरी गुड है गुड है ये चीज़ें ऑप्शन में, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में यूज हो जाता है, तो बोथ बोथ आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44 नंबर, एन ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इज नोन एज, किसी संख्या वृत्त आंकड़ों का एक सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित प्रदर्शन कहलाता है। ऑर्डर एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, पहला ऑप्शन है सारणी बनाना, दूसरा है विश्लेषण करना एनालिसिस करना, थर्ड इज कोडिंग सांकेतिक करना, फोर्थ इज कोरिलेशन। क्या बात कर रहा है, ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, जब कोई चीज डेटा को सिस्टमैटिक करते हैं ऑर्डरली करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टेबुलेशन सारणी बनाना बोलते हैं, कि अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस नहीं कर रहे विश्लेषण नहीं कर रहे कोई डेटा नहीं लगा रहे स्टैटिक्स का यूज नहीं हो रहा, अगर यहीं पे स्टैटिक्स का यूज करके बोलते हैं न्यूमेरिकल डेटा बिना स्टैटिक्स तो वहां पे एनालिसिस हो जाता है, यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं उसको प्रेजेंटेशन को न्यूमेरिकल डेटा को अरेंज कर रहे हैं तो नोन एज टेबुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट एकेडमिक अचीवमेंट कैन बी डन बाई, विद्यार्थी के शैक्षणिक ज्ञान प्राप्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है, क्या क्वेश्चन है फिर से, विद्यार्थियों के शैक्षणिक ज्ञान प्राप्ति का मूल्यांकन किया जाता है मतलब एकेडमिक अचीवमेंट का इवैल्यूएशन किससे किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज पार्टिसिपेशन इन स्टूडेंट ग्रुप वर्क,
विद्यार्थियों के समूह में कार्य करके, सेकंड ऑप्शन ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, उनके अनुपालन का मूल्यांकन और प्रेक्षण करके, थर्ड इज रिस्पॉन्डिंग टू डिमांड ऑफ स्टूडेंट, उनकी मांगों के उत्तर देकर, फोर्थ इज कलेक्टिंग द कंप्लेंट्स अगेंस्ट स्टूडेंट, उनकी शिकायत के बारे में जानकारी करके एकेडमिक मूल्यांकन किया जा सकता है। वो कैसे कर सकते हैं, ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, कि उनके अनुपालन का मूल्यांकन व प्रेक्षण करके। ये नहीं है कि उनके मूल्यांकन कर लिया अकेडमिक का ही कर रहे हैं, तो उनको ऑब्जर्व भी करते रहते ना उनको ग्रुप एक्टिविटी को देखते हुए, तो वहाँ पे क्या कर लेते हैं उनका ऑब्जर्व और मेजर कर परफॉर्मेंस स्टूडेंट का मूल्यांकन किया जा सकता है। इस ऑप्शन के अंतर्गत यही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46 नंबर, रिटेंशन ऑफ नॉलेज इज मोस्ट इफेक्टिव इफ बी यूज, रिटेंशन ऑफ नॉलेज इज मोस्ट इफेक्टिव इफ बी यूज, शिक्षा का प्रभाव ज्यादा व अधिक होता है, शिक्षा का प्रभाव ज्यादा व अधिक होता है अगर हम क्या यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे ऑप्शन में पहला ऑडियो एड्स, सुनने की सहायक सामग्री का प्रयोग, सेकेंड इज रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ें, थर्ड इज विजुअल एड्स कि देखने की सहायक सामग्री का प्रयोग करके, फोर्थ इज ऑडियो विजुअल एड्स देखने व सुनने का सामग्री प्रयोग करके, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जब हम ऑडियो विजुअल दोनों ऐड यूज करते हैं तो हमारी जो नॉलेज क्या होती है या टीचिंग लर्निंग जो होती है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, और रिटेंशन नॉलेज को मतलब ज्ञान को ज़्यादा अधिक प्रभावित हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47 नंबर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज सिचुएटेड एट, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है। आई थिंक सबको पता ही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज बेंगलुरु, सेकंड ऑप्शन इज मुंबई, थर्ड ऑप्शन इज हैदराबाद, फोर्थ इज उदयपुर। तो निन जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये कहाँ इस्टेब्लिश है, सिचुएटेड है, यह हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूजफुल फॉर द एक्सटेंशन वर्कर टू फाइंड आउट द नेचुरल आर इनफॉर्मल लीडरशिप इन अ ग्रुप। क्या पूछ रहा है कि फॉलोइंग मेथड में इज यूजफुल फॉर द एक्सटेंशन वर्कर, मतलब एक्सटेंशन वर्कर के लिए क्या यूजफुल रहेगा पाने के लिए, नेचुरल और इनफॉर्मल लीडरशिप, मतलब किसी ग्रुप में लीडरशिप इनफॉर्मल औपचारिक अनौपचारिक तरीके से या नेचुरल तरीके से पाना है तो एक्सटेंशन वर्कर के कौन सा मेथड सबसे अच्छा होगा। हिंदी में रिपीट करते हैं, एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नैसर्गिक या अनौपचारिक नेतृत्व चयनित करने में सिद्ध होगी। फर्स्ट ऑप्शन इज परफॉर्मेंस टेस्ट, निष्पादन परीक्षण, सेकेंड इज सोशियोमेट्री, समाज मिति, थर्ड इज इंटरव्यू, साक्षात्कार, फोर्थ इज एप्टीट्यूड टेस्ट, कार्य साधक दक्षता परीक्षण। तो यहाँ पे इनफॉर्मल अनौपचारिक की बात हो रही है, अगर यहाँ पे अब क्या बोले फॉर्मल बोलेंगे औपचारिक की बात होती तो हम इंटरव्यू के साथ जा सकते हैं या एप्टीट्यूड टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट के साथ जा सकते थे, बट यहाँ पे इनफॉर्मल की बात हो रही नेचुरल में, तो किसका यूज होगा, सोशियोमेट्री की, सामाजिक मिति की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49 नंबर, इवैल्यूएशन ऑफ एनी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज डन फॉर, किसी भी विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन निम्न के लिए किया जाता है, किसी भी विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है डिजायर्स के लिए, इच्छाएं के लिए, सेकेंड इज कॉस्ट के लिए, लागत के लिए, थर्ड ऑप्शन है रिसोर्स या संसाधनों के लिए, फोर्थ इज ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों के लिए। जब मूल्यांकन किया जाता है डेवलपमेंट प्रोग्राम का, वो किसके लिए किया जाता है, उद्देश्यों के लिए किया जाता है, ऑब्जेक्टिव के, जो आपके ऑब्जेक्टिव, मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा, मान लीजिए हम कुछ भी काम करने जाते हैं तो कोई एक उद्देश्य होता है, तो जब उसी उद्देश्य को पाने के लिए या कितने अच्छे बेटर वे में हुआ है उसका मूल्यांकन करते हैं, या मान लीजिए क्या कमियां रह गई हैं तो उसको क्या करके रिवैल्यूएशन करके आगे आने वाला जो प्रोग्राम करेंगे उसमें वो गलतियां ना हो, इसीलिए मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 नंबर क्वेश्चन, द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन इंडिया इन द ईयर
भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? किस, आई थिंक सबको पता होगा, सीडीपी का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इंडिया में, फर्स्ट ऑप्शन इज 1952, सेकंड ऑप्शन इज 1957, थर्ड इज 1975, फोर्थ इज 1972। तो सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्हें शुरुआत हुई था 1952, 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सटेंशन एजुकेशन ब्रिंग्स आउट द चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर विद रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। एक्सटेंशन एजुकेशन, ये डिफिनेशन ही है, एक्सटेंशन एजुकेशन ब्रिंग्स आउट द चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर विद रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, किसके रिस्पेक्ट में लाता है? प्रसार शिक्षा से मानव व्यवहार में बदलाव निम्न के तहत आते हैं। किस में बदलाव होता है उसके? फर्स्ट ऑप्शन इज नॉलेज, सेकेंड ऑप्शन इज, नॉलेज मीन्स ज्ञान, सेकेंड ऑप्शन इज एप्टीट्यूड, कौशल में उसके बदलाव आता है, थर्ड इज स्किल, अभिवृत्ति में उसके बदलाव आता है, फोर्थ फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो होता है नॉलेज में, जब जब ह्यूमन बिहेवियर में बदलाव आ रहा है या मानव व्यवहार में बदलाव आ रहा है एक्सटेंशन, तो नॉलेज में भी आएगा। तो अगर स्किल में क्या होता है, नॉलेज होती है तभी आप इसके लिए योग्यता होती है जैसे, तो थोड़ा तो ज्ञान तो होता ही है, तो स्किल है आप, नॉलेज भी है, एटीट्यूड आपके व्यवहार में, मान लीजिए आप बहुत रूड है लेकिन धीरे धीरे आपके एजुकेशन क्या होता है, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या करता है आपके बिहेवियर में क्या लाता है, धीरे धीरे चेंजेस लाता है, आपको बात कैसे करना है, औपचारिक तरीके से करना है, अनौपचारिक तरीके से कैसे करनी है, बात करनी है, तो ये करता है एक्सटेंशन एजुकेशन, मदद करता है कि आपको जाना है गाँव में कैसे काम करना है, तो ऑल ऑफ दी अबव, तो चारों तीनों चीज़ों में क्या करता है, बिहेवियर चेंजेस लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एबिलिटी टू प्रोजेक्ट आवर सेल्फ इन टू अदर पीपल्स पर्सनैलिटीज इज नोन एज। अपने आप को अन्य व्यक्तियों में प्रक्षेपित करने की क्षमता कहलाती है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहे हैं, अपने आप को अन्य व्यक्तियों में प्रक्षेपित करने की क्षमता क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन इज ओरिएंटेशन, अनुकूलन, सेकेंड इज इम्पैथी, परानुभूति, थर्ड इज सिंपैथी, सहानुभूति, फोर्थ इज कम्युनिकेशन, संवाद। रिपीट करते हैं क्वेश्चन, एबिलिटी टू प्रोजेक्ट आवरसेल्फ इनटू अदर पीपल पर्सनालिटी इज नोन एज, ये बोलते हैं इम्पैथी, परानुभूति, ओरिएंटेशन तो होता नहीं, ओरिएंटेशन शुरुआत में सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, आप अपने बारे में क्या करते हैं इंट्रो देते हैं, कोई चीज शुरुआत होती है जानने की, किसी को जानना होता है तो उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। कम्युनिकेशन यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ नॉलेज आइडिया थॉट टुवर्ड्स अनदर, तो ये तो अलग हो गया, तो यहाँ तो हम कोई आइडिया वाइडिया थॉट तो कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं ना बातचीत कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन तो होगा नहीं। सिंपैथी वो होता है, इम्पैथी सिंपैथी में डिफरेंस समझिए, सिंपैथी मीन्स ये होता है मान लीजिए किसी के साथ कोई ट्रेजिडी हो गई तो उसमें क्या करते हैं, कुछ फ्रेंड्स लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, सिंपैथी एक तरीके से देते हैं, चलिए ठीक है कुछ नहीं आगे चल के बेटर होगा, या आपको एक तरह सांत्वना देते हैं, तो आपको लगता है हाँ ठीक है, आप थोड़ी देर मान लीजिए आप रो रहे हैं तो कोई आके आपको सांत्वना दे दिया, चुप करा दिया, तो ये होता है सिंपैथी आपकी, कि सहानुभूति हाँ कंसर्न है वो आपके लिए। इम्पैथी मीन्स ये होता है कि वो अपने आप को उस आपकी जगह रख के देखता है, मान लीजिए आप रो रहे हैं तो वो भी उस टाइम पे बैठ के रो रहा है कि वो आप वो अपने आप को आप ही की तरह देख रहा है कि हाँ अगर मेरे साथ ये चीजें हुई होती तो मैं ऐसे करता, या ये होगा तो मैं ऐसे करूंगा, तो वो होता है इम्पैथी, वही होता है एबिलिटी टू प्रोजेक्ट आवरसेल्फ इनटू अदर पर्सनैलिटी, मतलब अपने आप को उसी की पर्सनैलिटी में डाल के देखना या काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53 नंबर क्वेश्चन, वॉलंटरी ग्रुप्स आर दोज वेयर वन हैज बिकम मेंबर। स्वैच्छिक समूह वह होता है जिसमें व्यक्ति सदस्य बनता है, स्वैच्छिक समूह वह होता है जिसमें व्यक्ति सदस्य बनता है। ऑप्शन इज फर्स्ट चॉइस डज नॉट रेस्ट विद इंडिविजुअल, बिना अपनी इच्छा से, सेकंड ऑप्शन इज अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस अपनी स्वेच्छा से, थर्ड इज अकॉर्डिंग टू कास्ट जाति के आधार पे, फोर्थ इज अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी समुदाय के आधार पे। तो जो स्वैच्छिक समूह का चयन होता है, लोग मेंबर बनते हैं, वो बनते हैं अपनी स्वेच्छा से, अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस अपनी स्वेच्छा से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, ट्रेडिशनल पंजाब एम्ब्रॉयडरी इज नोन एज, पंजाब की प्रसिद्ध कशीदाकारी जानी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज फुलकारी, थर्ड सेकेंड इज पैच वर्क, थर्ड इज कांथा वर्क, कसूती, फोर्थ ऑप्शन इज।
तो इसमें जो फुलकारी कहाँ की है, ये है पंजाब की। कांथा कसूती, कसूती अभी मिला था आई थिंक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वीडियो में, शायद प्रीवियस ईयर वीडियो में ही है ये, आप ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कसूती कहाँ की एम्ब्रॉयडरी है, तो ये है कहाँ की, कर्नाटका की। कांथा भी आया हुआ, पैच वर्क बताए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पैच वर्क कहाँ की एम्ब्रॉयडरी है। कांथा भी प्रीवियस ईयर को अभी जो सॉल्व कराए थे किसी एक दो वीडियो में ये क्वेश्चन आया हुआ, कांथा कहाँ की एम्ब्रॉयडरी है, मैंने डिटेल्स में जितने भी ऑप्शन थे मैंने बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज अ थ्योरी ऑफ लीडरशिप, निम्न नेतृत्व का सिद्धांत है, निम्न नेतृत्व लीडरशिप की थ्योरी क्या है। पहला ऑप्शन इज बैलेंस थ्योरी, संतुलन सिद्धांत। सेकेंड ऑप्शन ग्रुप प्रोसेस थ्योरी, समूह प्रक्रिया सिद्धांत। थर्ड इज फेल फॉलोअरशिप थ्योरी, अनुगामी सिद्धांत। फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। तो लीडरशिप की जो थ्योरी है तीनों, ग्रुप प्रोसेस भी है, फॉलोअरशिप भी है एंड बैलेंस थ्योरी भी है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इज नोन एज, आंकिक आंकड़ों का दृश्य प्रदर्शन कहलाता है। क्या? आंकिक आंकड़ों का दृश्य प्रदर्शन कहलाता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इज नोन एज, फर्स्ट ऑप्शन इज टेबल, सेकंड पिक्चर चित्र, थर्ड ग्राफ, फोर्थ उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन की जब बात होती है तो क्या विजुअल किस में होता है, ये होता है पिक्चर में। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इज पिक्चर। दो में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, पिक्चर या ग्राफ, थोड़ा सा एक सेकंड में। इसका राइट ऑप्शन ग्राफ ही है, याद आ गया मुझे, कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन की जब बात होती है पिक्चर नहीं है, पिक्चर इज अ रॉन्ग ऑप्शन। फॉर इसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा की बात होती है तो ग्राफ में किया जाता है, ग्राफ या चार्ट, ऑप्शन में चार्ट भी हो सकता है। चार्ट चार्ट ग्राफ दोनों में क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है, पिक्चर में डेटा, ऐसे पिक्चर में कोई भी पिक्चर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा की बात कर रहा है, तो जो तो ग्राफ में क्या होता है डेटा भी आ जाता है, जैसे पाई पाई चार्ट हो गया, पाई चार्ट में देखिए ना परसेंटेज दिखा रहा था 10%, 20%, आप लोग बस विजुअल देखते हो उसमें डेटा बताते हो कि ये इतना परसेंट शो कर रहा है, ये इतना परसेंट शो कर रहा है, वही चीज है यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेज इन ऑर्डर इन व्हिच प्याजे सेज दीज स्टेजेस अपेयर। प्याजे की थ्योरी की बात पूछ रहे हैं, ऑर्डर पूछ रहे हैं, ऑप्शन में बताना है। प्याजे की थ्योरी आई थिंक सबको रटी ही हुई होंगी, याद ही है। निम्न अवस्थाओं को प्याजे के अनुसार अवस्थाओं के दिए गए क्रम में लगाइए। पहला ऑप्शन है प्री प्री ऑपरेशनल, यहाँ ऑप्शन में दे रखा है प्री ऑपरेशनल पीरियड। सेकेंड ऑप्शन सेंसरी मोटर पीरियड। थर्ड इज फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। फोर्थ इज कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड। मैच करते हैं, पहला जो होता है वो होता है सेंसरी मोटर पीरियड या संवेदी गत्यात्मक अवस्था। तो इसमें थर्ड सेकेंड ऑप्शन कहाँ मिला, ये रहा। तो अब तो एक मिल गया हो, तो क्योंकि आगे सेकेंड कोई है नहीं तो यही राइट आंसर जाएगा, लेकिन ऑप्शन समझ लेते हैं। सेकेंड क्या होता है, पहले अब मैं चरण ही बता दे रही हूँ ऑर्डर। पहला होता है सेंसरी मोटर डेवलपमेंट गत्यात्मक अवस्था। सेकंड जो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रिय अवस्था। थर्ड होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फोर्थ इज जो होता है वो फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड, ये बोलते हैं औपचारिक संक्रिया अवस्था। याद कर लीजिएगा इन लोगों की स्टेज है। प्याजे की थ्योरी जो तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, यह एक तरीके से रटी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रटना तो वैसे नहीं है लेकिन समझना होता है, मतलब मैंने कुछ चीजें तो आपको रटना ही पड़ता है, जैसे आप स्टेजेस जो होंगे स्टेप बाय स्टेप क्या होंगे वो तो याद ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इन डेप्थ कॉम्प्रीहेंस एंड स्टडी ऑफ अ पर्सन इंस्टीट्यूशन और सोशल ग्रुप इज टर्म्ड एज, किसी व्यक्ति संस्था या सामाजिक समूह के गहन व्यापक अध्ययन को क्या कहते हैं। इन डेप्थ कंप्रीहेंसिव पूछ रहा है, इन डेप्थ कंप्रीहेंसिव स्टडी ऑफ पर्सन इंस्टीट्यूशन और सोशल ग्रुप इज टर्म्ड एज,
किसी व्यक्ति संस्था सामाजिक समूह के गहन व्यापक अध्ययन को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज एनालिटिकल स्टडी, विश्लेषणात्मक अध्ययन। सेकेंड ऑप्शन इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी, विस्तृत अध्ययन। थर्ड इज केस स्टडी, केस अध्ययन। फोर्थ एक्सप्लोरेटरी स्टडी, समन्वेशी अध्ययन। तो जब इन डेप्थ कोई चीज की किसी की स्टडी होती है, किसी पर्सन की हो रही है, देखिए किसी एक इंस्टीट्यूशन की हो रही है, सबकी एक साथ नहीं हो रही है कि सबको मिला के, किसी एक सोशल ग्रुप की हो रही है। तो जब एक ही चीज की किसी की स्टडी इन डेप्थ होती है, मतलब गहराई से उसका अध्ययन करते हैं, तो होता है केस स्टडी। अच्छा होता है ना, क्योंकि केस स्टडी चल रही है किसी का, कोर्ट में देख लीजिए, जैसे कि कोई किसी का चल रहा है, केस स्टडी चल रही है, तो इन डेप्थ पूरा उनका पूरा जितना भी ए टू जेड से लेके जितने भी उनके डेटा होते हैं वो क्या कलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59 नंबर क्वेश्चन। एडोलसेंस इज नॉट अ सर्टेन रीजन के क्वेश्चन है ये, क्या बोलते हैं, अच्छा माना तर्क या क्या बोलते हैं तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडोलसेंस इज नॉट अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म्स एंड स्ट्रेस इन ऑल कल्चर। क्या है किशोरा, पहला जो रीजन है, माना जाता है किशोरा अवस्था सभी संस्कृतियों में तूफान और तनाव की अवस्था नहीं होती है, ये तो फॉल्स ही है। मतलब एडोलसेंस नॉट पीरियड स्टॉर्म ऑल कल्चर गलत, चाहे वो इंडिया में रहेगा या अमेरिका में रहेगा, वो अगर बच्चा डेवलपमेंट जो स्टेजेज है वर्ल्ड के किसी भी कोने में बच्चा जन्म लेगा, नॉर्मल की बात हो रही है, नॉर्मल बच्चे की, तो जो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट है तो वो तो होगा, तूफानों की अवस्था बोलते हैं, तूफान तनाव की अवस्था होती है, तो वो सारे बच्चों में आएगा। नेक्स्ट ये तो गलत हो गया, तो यहाँ पे कहा गया एज फॉल्स। सेकेंड ऑप्शन इज मेनी कल्चर्स प्रोवाइड एक्सपीरियंस ऑफ कंटिन्यूटी टू दियर एडोलसेंट। मेनी कल्चर प्रोवाइड एक्सपीरियंस ऑफ कंटिन्यूटी टू दियर एडोलसेंट पूछ रहा है, बहुत सी संस्कृतियाँ अपने किशोर बच्चों को निरंतरता का अनुभव देती हैं, कंटिन्यूटी का अनुभव देती हैं। निरंतरता का अनुभव की बात यहाँ पे नहीं होता, मतलब अपनी मेनी कल्चर प्रोवाइड एक्सपीरियंस ऑफ कंटिन्यूटी टू दियर एडोलसेंट, बहुत सी संस्कृतियाँ किशोर निरंतरता का अनुभव देती हैं, देती भी हैं, बहुत सी नहीं, ऐसे बहुत सी संस्कृतियाँ नहीं, हाँ कुछ संस्कृतियाँ हैं कि जो निरंतरता का अनुभव देती हैं, तो निरंतरता का अनुभव देती हैं, जैसे कि मान लीजिए क्या क्या ऑप्शन में आपको समझाऊं मैं, कल्चर है, मान लीजिए कोई संस्कृति है आपके यहाँ, जीन जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रही है, एडोलसेंट को बताया जा रहा है कि ये हमारे यहाँ ऐसा होता है, तो वो एडोलसेंट क्या होता है, वो भी अपने स्टेज में सीख लेता है, फिर जब उसके बच्चे बॉर्न होते हैं तो वो वही प्रोसेस क्या करता है, कल्चर मान लीजिए कोई फंक्शन हो रहा है आपके यहाँ, तो वही चीज़ उस बच्चे के साथ करता है कि हाँ ये हमारे यहाँ क्या परंपरा है। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें क्या होता है सेंटर रीजन में, चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाने की ज़रूरत होती है कि हमारे क्या इर्द गिर्द चीज़ें वाकई में क्या घटित हो रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने आप को वहाँ पे पुट करके देख लीजिए कि हाँ मैं यहाँ पे हूँगा तो क्या करूँगा या क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कुछ सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो ये मतलब नहीं है कि सारे एकेडमिक बेस ही होते हैं, जब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे रिसर्च से रिलेटेड या ऐसे थोड़ा सीढ़ी वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो थोड़ा सा आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को क्या मतलब इवैल्यूएशन करने के लिए आयोग डिसाइड करके वो क्वेश्चन बनाता है कि आप चीज़ों को क्या सोचते हैं, कि सारी चीज़ें एकेडमिक तो ही नहीं है, जब आप टीच करोगे तो यही नहीं है कि पूरे एकेडमिक ही पढ़ाओगे, कुछ बच्चे जो स्टूडेंट होंगे वो अपने टीचर से कुछ तो इंस्पायर होते हैं ना, कि ये चीज़ें आप उनको अपने एक्सपीरियंस से बताओगे, तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, मान लीजिए कोई टॉपिक आ गया तो कोई बच्चा कोई ऐसे क्वेश्चन क्वेरी कर लिया तो आपका वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना तेज चलेगा, इस चीज़ को इवैल्यूएशन करने के लिए आयोग क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन डिजाइन करता है। 60 नंबर क्वेश्चन, द थ्योरी दैट व्यूज द चाइल्ड एज डेवलपिंग विद इन अ डायनेमिक सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एंड रेसिप्रोसिटी एट सेवरल लेयर्स ऑफ सराउंडिंग सिस्टम इज, क्या पूछ रहा है, वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि बालक विभिन्न स्तरों पर संबंधों और आदान प्रदान की गतिशीलता सर्वव्यापी प्रणाली में विकसित होती है। क्या क्वेश्चन को समझना, आंसर अपने आप निकल आता है।
कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है ऑप्शन में जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि बालक जो होता है विभिन्न स्तर पर संबंधों और आदान प्रदान की गतिशीलता को सर्वव्यापी प्रणाली में विकसित होता है, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है पियाजे डेवलपमेंट थ्योरी में, पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत में। सेकंड है इथोलॉजिकल थ्योरी में, आचार शास्त्र सिद्धांत में। थर्ड है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, पारिस्थितिकी व्यवस्था सिद्धांत में। फोर्थ है साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषण सिद्धांत में। तो किस सिद्धांत में माना जाता है कि आदम व्यापी विकसित होता है सराउंडिंग रिलेशनशिप डायनेमिक? तो ये होता है आपके इकोलॉजिकल सिस्टम में। इसमें होते हैं ना पांच फेजेस, कौन दिया है इकोलॉजिकल सिस्टम? ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर जी ने दिया है। तो इसमें क्या होता है, रिसिप्रोसिटी होती है, जैसे कि एक जो मीजो लेयर जो आपका होता है, इन्होंने ही दिया है मीजो लेयर का कि किस लेयर में क्या क्या चीजें आती जाएंगी, हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें लाइफ डेवलपमेंट में घटित होती रहती हैं। मनोविश्लेषण विश्लेषणात्मक दिया है सिगमंड फ्रायड ने दिया है। पारिस्थितिकी कौन दिया है, पारिस्थितिकी क्या बोलते हैं इसको, इथोलॉजिकल साइको इथोलॉजिकल थ्योरी। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कौन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोगों के ये सारे रटे हुए होंगे थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज जुवेनाइल जस्टिस चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट मेड टू रिप्लेस द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986? किशोर न्याय अधिनियम 1986 को बदलकर किशोर न्याय बाल देख व संरक्षण अधिनियम बनाया गया। किस ईयर में बनाया गया था? 1986 किशोर न्याय अधिनियम 1986 को बदलकर किशोर न्याय बाल व देख संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन इज 1996, 1996 में, सेकंड 2000, 2000 में, थर्ड 2006 में, फोर्थ इज नॉन ऑफ द अबव। ये किया गया था 2000 में, 2000 में बदल कर उसका नाम क्या कर दिया गया था, JJCCP, और शॉर्ट टर्म में पूछा भी जाता है JJCCP। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, पुअर अटेंशन स्पैन एसे इजी डिस्ट्रैक्टबिलिटी एक्सेसिव एक्टिविटी लेवल्स आर सीन इन चिल्ड्रन विथ, ध्यान केंद्रीकरण की कमी, आसानी से ध्यान हट जाना, अत्यधिक क्रियाशीलता का स्तर उन बच्चों में देखा जाता है। क्वेश्चन समझिएगा, ध्यान केंद्रीकरण की कमी मतलब पुअर अटेंशन, आसानी से ध्यान हट जाना इजी डिस्ट्रैक्टबिलिटी, एक्सेसिव एक्टिविटी लेवल अत्यधिक क्रियाशीलता का स्तर उन बच्चों में देखा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट अटेंशन डिफिशिएट ऑर्डर, ध्यान केंद्रित में कमी विकार, सेकंड इज अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान केंद्र की कमी व अत्यधिक क्रियाशीलता विकार, थर्ड ऑप्शन इज सेवरल पैल्सी, फोर्थ है अटेंशन डिस्ट्रैक्शन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान हटना एवं अत्यधिक क्रियाशीलता का विकास। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान केंद्रीकरण की कमी, आसानी से ध्यान हट जाना, अत्यधिक क्रियाशीलता का स्तर, ये क्या होता है? ये होता है ADHD में, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में होता है। क्या होता है इसमें, ऑप्शन है सेकंड है ध्यान केंद्र की कमी और अत्यधिक क्रियाशीलता विकार। अचानक क्या होता है, बच्चा क्या होता है पुअर अटेंशन मतलब रहता है, अचानक क्या होता है बोलने लगता है या अचानक डिस्ट्रैक्ट रहता है। अब हमारे मैम ने क्वेश्चन कोई पुट अप किया तो क्या होता है बच्चे क्या डिस्ट्रैक्ट रहता है, लेकिन अचानक हंसने भी लगेगा, फिर अच्छा ये क्वेश्चन था। वही होता है कि अटेंशन की कमी होती है, लेकिन क्या होता है सडनली अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड चिल्ड्रन एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस इमोशंस, दस इट इज कॉल्ड अ पीरियड ऑफ। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था के दौरान बच्चे बार बार एवं प्रबल सांवेगिक अनुभव करते हैं, इसलिए इस अवस्था को करते हैं। पहला ऑप्शन इज डिस्टर्ब इमोशनैलिटी,
विकृत संवेगता, सेकंड इज ओवर इमोशनल, अति संवेविक, थर्ड इज इमोशनली एक्टिव, संवेविक सक्रियता, फोर्थ ऑप्शन हाइटेंड इमोशनैलिटी, उग्र संवेगता। क्या होता, उत्तर लेट चाइल्डहुड की बात कर रहा है, बच्चे बार बार प्रबल संवेग अनुभव करते हैं, इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, मतलब जो बच्चा बार बार क्या कर रहा है, इंटेंस फ्रीक्वेंट एंड इंटेंसिव इमोशन एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये होता है डिस्टर्ब इमोशनैलिटी, विकृत संवेगिकता। कभी क्या होता है, बच्चा क्या होता है, अभी बहुत खुश हो जाता है, बहुत नाराज होता है, मतलब खुश हो गया, मान लीजिए कोई आया दूसरा बच्चा होता है, ठीक है, उसको समझ आया, फिर जल्दी से क्या होता है, जेलस भी फील करने लगता है कि मम्मा ने मुझे दिया उसको नहीं दिया, ये तो डिस्टर्ब रहता है, इमोशनैलिटी समझने की नहीं होती है। जो हाइटेंड इमोशनैलिटी होती है ये एडोलसेंट में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडिकेशन दैट अ गर्ल इज रिप्रोडक्टिवली नेचर इज टर्म्ड एज, एक लड़की प्रजनन के लिए परिपक्व हो गई है, इसके प्रथम संकेत के लिए शब्दावली है, क्या होती है, जब रिप्रोडक्टिवली नेचर इज मतलब इंडिकेशन होता है कि लड़की प्रेग्नेंट है, तो क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन मीनोपॉज, रजो निवृत्ति, सेकेंड ऑप्शन मीनार्के, राजस्वला, थर्ड इज मेंसुरेशन, मासिक धर्म, फोर्थ इज नन ऑफ दी अबव। द फर्स्ट इंडिकेशन दैट गर्ल्स रिप्रोडक्टिवली नेचर इज टर्म्ड एज, क्या होता है, मेनार्के, मासिक मतलब क्या होता है, रजोसला, जब उसके क्या होते हैं, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा यहाँ पे दो चीजें क्वेश्चन में मेंशन था, लोग कंफ्यूज होंगे, इसमें दो टर्म था, मेंसुरेशन भी बोलते हैं, पीरियड्स को ही बोलते हैं, या मेंसुरल साइकिल को ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ भी पूछा था, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि मेंसुरेशन तो ऑल टाइम कभी भी आप मेंसुरेशन बोल सकते हैं, कि मेंसुरल साइकिल को कभी भी आप मासिक धर्म बोल सकते हैं, मतलब मंथली कभी भी मंथ में आप जब भी मंथ में हो रहा है तो बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एक ये लाइन ये वर्ड यूज, फर्स्ट इंडिकेशन दैट अ गर्ल, तो वो होता है कि रिप्रोडक्ट परिपक्व हो गई, मतलब अब रिप्रोडक्शन हो सकता है, तो वो होता है मेनार्के, मेनार्के ये होता है फर्स्ट टाइम जब पीरियड आता है तो उसको बोलते हैं मेनार्के, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्वेश्चन में लोग गलत कर सकते थे, मेंसुरेशन मेंशन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर ऑफ मेन स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड इज, पूर्व प्रसव काल वृद्धि और विकास की कुल प्रमुख अवस्थाएं हैं, प्रीनेटल पीरियड की बात कर रहा है यहाँ पे, कितने स्टेजेस होते हैं, ऑप्शन में दो, सेकंड ऑप्शन इज थ्री, फोर्थ ऑप्शन इज फोर, फोर्थ ऑप्शन इज फाइव, थर्ड ऑप्शन इज फोर। पूर्व प्रसव काल में वृद्धि और विकास की प्रमुख कुल प्रमुख अवस्थाएं कितनी होती हैं, तीन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं तीन स्टेज ग्रोथ डेवलपमेंट की, पहली होती है जर्मिनल पीरियड या जर्म पीरियड भी बोलते हैं, सेकंड कौन सी होती है, एम्ब्रियोनिक पीरियड भ्रूणावस्था, थर्ड होती है फीटल पीरियड। नेक्स्ट तीन होती है ना, याद आ गया होगा, प्रीनेटल, जर्मिनल पीरियड और एम्ब्रियोनिक एंड फीटल पीरियड, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा होता है, ये लोग आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट टास्क इज अ कॉन्सेप्ट डिनोटिंग, विकासात्मक कार्य एक प्रत्यय है जिसका अर्थ है, प्रीनेटल डेवलपमेंट ऑप्शन पूछ रहा है, डेवलपमेंट टास्क किसके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिर अगेन मैं बता रही हूँ, अभी प्रीवियस ईयर वीडियो में ही मैंने कवर किया था, आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से जाके क्वेश्चन देखिएगा। डेवलपमेंट हाविगस्ट ने दिया है, हाविगस्ट ऑथर है, उन्होंने ये चीजें थ्योरी दी थी। फर्स्ट पूछ रहा है, विकासात्मक कार्य एक प्रत्यय है जिसका अर्थ क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रीनेटल डिजायर रिगार्डिंग दियर चाइल्ड, अपने बालक के प्रति माता पिता की इच्छाएं, सेकंड ऑप्शन है सोशल एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चों के वृद्धि एवं विकास की सामाजिक व सांस्कृतिक अपेक्षाएं, थर्ड इज टास्क दैट टीचर शुड मेक अ चाइल्ड डू, कार्य जो एक शिक्षक को बच्चे से करवानी चाहिए, फोर्थ ऑप्शन टास्क दैट पेरेंट्स शुड डू फॉर देयर चिल्ड्रन डेवलपमेंट,
कार्य जो माता पिता अपने बच्चों को विकास के लिए करने चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन डेवलपमेंटल टास्क के लिए था, ये था सोशल एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कार्य बच्चों के वृद्धि और विकास की सामाजिक व सांस्कृतिक अपेक्षाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशवी 7 नंबर क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, सॉल्व करते हैं आज। 75 क्वेश्चन ये पेपर कवर कर देते हैं इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाने से कोई मतलब है नहीं है। इसमें क्या रहेगा कि आप लोग थोड़ा जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, एक ही बार में मतलब क्लियर हो जाएंगी, रिपीट भी कर सकते हो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, अ रिसेंट स्टडी स्टेट दैट बेबीज कैरीड क्लोज टू देयर मदर बॉडी वर सिक्योरली अटैच्ड टू द मदर, दैट मींस हाल का एक अध्ययन कहता है कि जिन शिशुओं को माँ के शरीर से चिपका हुआ रखा जाता है वे माँ से सुरक्षित रूप से बंधित होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन को फिर से, अध्ययन एक अभी हुआ था, जिन शिशुओं को माँ के शरीर से चिपका हुआ रखा जाता है वो माँ से सुरक्षित रूप से बंधित होते हैं, इसका क्या अर्थ होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द बेबी वाज सेव, शिशु सुरक्षित है। सेकंड ऑप्शन है बेबी वुड नॉट फॉल, शिशु गिरेगा नहीं। थर्ड ऑप्शन है बेबी वाज इमोशनली अटैच्ड टू मदर, शिशु का माँ से संवेगिक बंधन है। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन थर्ड इज राइट, बेबी वाज इमोशनलिटी अटैच टू द मदर, बच्चा क्या होता है भावनात्मक रूप से अभी क्या है वो माँ से अटैच्ड है। अभी यहाँ पे इमोशनली फिजिकली सब क्या होता है मदर से क्या होता है अटैच होता है, इसीलिए उसका क्या होता है बच्चों को जैसे बॉर्न होता है तो माँ से चिपका के रख देते हैं, क्या होता है वो फील कर लेता अपने सेंसेस के से क्या होता है कि लगता है कि मैं जिस बॉडी में अभी था अब उस बॉडी के टच में आ जाता है, तो उसको क्या होता है इमोशन फील होने लगता है। 68 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इरेक्शन द इम्पोर्टेंट क्राइसिस फेस्ड बाई एन एडोलसेंट इज, इरेक्शन के अनुसार एक किशोर व्यक्ति के सामने सबसे महत्वपूर्ण संकट क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण इरेक्शन के अनुसार पूछ रहे हैं कि कौन सबसे महत्वपूर्ण संकट है। फर्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन, स्व पहचान एवं भूमिका का भ्रम। सेकंड है फिजियोलॉजिकल ग्रोथ शारीरिक वृद्धि। थर्ड इज शेम एंड गिल्ट शर्म एवं अपराध बोध। फोर्थ इज ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट विश्वास बनाम अविश्वास। तो किशोरावस्था की पूछ रहा है सबसे महान संकट क्या होता है, वो होता है आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन, वो कंफ्यूज रहते हैं पहचान में कि पहले कि हमारे कुछ लोग जैसे मदर पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी कुछ काम करना होगा, अभी तुम बड़े नहीं हुए हो ये काम तुम नहीं कर सकती हो, तो फिर और फिर एक टाइम के लिए फिर बोलते हैं कभी कोई ऐसा वर्क कर दिया इतने बड़े हो गए ये चीज़ तुमको समझ में नहीं आती है, तो कंफ्यूज मतलब उसको पहचान भी नहीं है तो उसको कंफ्यूजन रहता है मैं करूँ तो क्या, मैं बड़ा हुआ हूँ या छोटा हूँ, तो ये चीजें कंफ्यूजन रहती हैं। और फिजियोलॉजिकल भी चेंजेस होते रहते हैं तो इस वजह से भी दिक्कतें होती हैं, लेकिन जो मेन इरेक्शन के अकॉर्डिंग है वह आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन। क्वेश्चन में थोड़ा इसमें डिटेल्स में बताती हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन इससे क्या रहेगा आप लोगों को चीजें याद रहेंगी, थोड़ा सा होता है ना उससे आप लिंक कर पाते हो चीजों को। ऐसे अगर भी बोल देंगे कि अगर मैं क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ दूं कि अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंट क्राइसिस फेस्ड बाय एन एडोलेसेंट इज आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूजन, तो ये चीजें आपको भूल जाएंगी। थोड़ा जैसे आप एग्जाम्पल्स के साथ कोरिलेट करते हो तो चीजें अभी अभी तो सॉल्व कर रहे हो तो याद रहेंगी, लेकिन बाद में चीजें भूल जाती हैं क्योंकि हम लोग जितना आर्टिविजुअल देखते हैं तो रिमेंबर का भी तो कुछ परसेंटेज है कि कितना याद रहेगा कितना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ बेटर सर्विस, निम्नलिखित में से कौन सा बेटर सेवा है। पहला इस पहला ऑप्शन क्या है, कौन सा बेटर सेवा है, कैफेटेरिया सर्विस कैफेटेरिया सेवा। सेकंड ऑप्शन टेबल सर्विस मेज सेवा। थर्ड इज बुफे सर्विस। फोर्थ इज वेंडिंग सर्विस या वेंडिंग सेवा। कौन सी है बेटर सर्विस जो होती है वो होती है कैफेटेरिया में तो नहीं होता, बुफे सर्विस में भी नहीं होता है बेटर की, ये होता है आपके टेबल सर्विस में। टेबल पे क्या करता है बेटर लाके आपको सर्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70 नंबर क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और है। मटेरियल रिसोर्सेज कंसिस्ट ऑफ ड्यूरेबल गुड्स एंड क्या, ऑप्शन पूछ रहा है गुड्स एंड व्हाट। भौतिक संसाधनों में टिकने वाली वस्तु है, भौतिक संसाधन मतलब
मटेरियल। ये देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यही क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर, अभी आप ये बोलेंगे मैम यही रिपीट कर रही प्रीवियस ईयर। आप लोग जब खुद ही जाओगे वीडियो देखोगे तब देखना कि क्वेश्चन, देखिए एक टाइम पे पेपर जो हुआ था वो दूसरा था, अभी जो दूसरे सेट में है ये फिर वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो यही चीजें आगे भी एग्जाम में होती, आयोग ऐसे ही करता है, दो तीन क्वेश्चन तो रिपीट होने ही होते ही होते हैं। कि अगर आप ऑल प्रीवियस ईयर पेपर जितने थे सॉल्व कर लेते हैं तो दो तीन क्वेश्चन रिपीट हो ही जाते हैं, इर्द गिर्द मिला के कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है उससे। क्या है मटेरियल रिसोर्सेस की बात है, मटेरियल रिसोर्सेस मैंने बताया था क्या होता है, ड्यूरेबल गुड्स एंड, चलिए ऑप्शन में देखते हैं, मनी पैसा, सेकेंड ऑप्शन इज स्किल्स एंड एबिलिटी, थर्ड ऑप्शन ह्यूमन एनर्जी, फोर्थ इज टाइम। क्या है भौतिक संसाधन, मटेरियल पैसा होता है, टिकने वाली पैसा है, सेकेंड कुशलता और क्षमता है, थर्ड इज मानव ऊर्जा है, फोर्थ इज समय। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बता चुकी हूँ वीडियो को, वैसे बता दे रहे हैं मटेरियल रिसोर्सेज किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को, अमानवीय संसाधन को बोलते हैं मटेरियल रिसोर्सेस। अब इसमें देखिएगा कि क्या मानवीय ऑप्शन में है और कौन सा अमानवीय है, तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगी, उसका राइट आंसर क्या था। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं वहां पर डिटेल्स में उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है, 71 में क्या होता है, पी आर टी स्टैंड फॉर, पी आर टी को क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है पी आर टी का। फर्स्ट है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू फीड, सेकेंड इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन फॉर रिटेल ट्रांजेक्शन, थर्ड है प्रोग्राम एंट्री रिव्यू ट्रांसिशन, फोर्थ इज नॉन ऑफ द अबव। ये होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू फीड, हिंदी में भी यही है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू फीड। पीआरटी ये होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए टूल है, एक तरीके से यूज करते हैं कि जैसे काम को कितने अच्छे रियलिस्टिक वे में बना के कितना इजी बनाया जा सकता है, जैसे कोऑर्डिनेटिव टीम होती है तो उससे मिला के उसको कितना इजी बनाया जा सकता है, काम को एक अच्छे वे में किया जा सके। 72 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड ऑन, फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये भी प्रीवियस ईयर वीडियो में अभी मैंने कवर किया था प्रीवियस ईयर पेपर में कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज 24 अक्टूबर, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इज फर्स्ट में, थर्ड ऑप्शन इज 15 मार्च, फोर्थ ऑप्शन इज 8 मार्च। तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 मार्च को, और जो नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है कितने 26 दिसंबर को, मैंने बताया हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड्स फॉर स्पेस टू बी प्रोवाइडेड ऑल राउंड इन बिल्डिंग इज रिफर्ड एज, किस भवन के चारों ओर के स्थान के मानक को दर्शाता है। क्वेश्चन फिर से समझिएगा, स्टैंड फॉर स्पेस टू बी प्रोवाइडेड ऑल राउंड अ बिल्डिंग इज रिफर्ड एज, किस भवन के चारों ओर के स्थान को मानक को दर्शाता है। पहला सेटबैक रुकावट, सेकंड इज वेंटिलेशन संवातन, थर्ड इज ओपन स्पेस खुला स्थान, फोर्थ इज लैंडस्केप भू दृश्य। तो इस फॉर स्पेस टू प्रो ऑल राउंड बिल्डिंग इज रिफर्ड एज, क्या बोलते हैं ओपन स्पेस खुला स्थान, भू लैंडस्केप भू दृश्य भी है यहाँ पे। अगर लैंड किचन लैंडस्केप का अगर दोनों आपके ऑप्शन राइट जा सकते हैं, लेकिन एक स्टैंड अप और स्पेस टू पूरा ऑल राउंड अ बिल्डिंग, तो एक एक ही स्पेस का बात कर, अगर पूछे पूरा पूछा गया होता ना ऐसे बिल्डिंग ना करके राउंड इज अ रिफर्ड एज, तो वहाँ पे ओपन स्पेस होता है। जब यहाँ पे किसी एक बिल्डिंग के बारे में बात कर दिया तो क्या कहा जाएगा लैंडस्केप, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर इज अ, लेजर क्या है, ये क्वेश्चन नेट में बहुत बार रिपीट होता है, यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आप जब प्रीवियस ईयर पेपर ओपन करके देखोगे मतलब सॉल्व करोगे तो वहाँ पे बही खाता क्या है, लेजर क्या है। पहला बैलेंस शीट संतुलन प्रपत्र, सेकंड चेक बुक, थर्ड कैश बुक, फोर्थ इज जर्नल। क्या है इसमें लेजर किसे बही खाता किसे बोलते हैं, बही खाता बोलते हैं जर्नल, इसको बोलते हैं जर्नल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 लास्ट क्वेश्चन है इस
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट का, हुइच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कला का तत्व नहीं है, कला का तत्व पूछ रहा है यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है किसी, अब जितने वीडियो प्रीवियस राजस्थान आरपीएससी वाले आप सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा रिपीट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन इज लाइन, सेकेंड ऑप्शन इज कलर, थर्ड ऑप्शन इज बैलेंस, फोर्थ टेक्सचर, रेखाएं, रंग, संतुलन, टेक्सचर, क्या होता है, नहीं है इसमें से, ये चीज ध्यान दीजिएगा नहीं है। तो लाइन, कलर, बैलेंस, टेक्सचर, टेक्सचर क्या है आपका एलिमेंट ऑफ आर्ट है, कलर क्या है एलिमेंट ऑफ आर्ट है, लाइन क्या है, रेखा क्या है एलिमेंट आर्ट है, तत्व के कला के तत्व है, इसमें जो बैलेंस है ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है, या आर्ट प्रिंसिपल का क्या है सिद्धांत है। तो यहाँ पे 75 कवर हो चुके, 75 क्वेश्चन ही था इसमें से कवर हो गए हैं। दो वीडियो इस सेट के दो वीडियोज बने हैं, फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहां से देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग लगता है कि कोई इशू हो रहा है या कोई चीजें नहीं समझ में आ रही है किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या मान लीजिए आपको किसी और क्वेश्चन में आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं, कुछ कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आंसर क्या हो सकता है, कोशिश करेंगे बताने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल, थैंक यू।